स्वागत है आपका थीटा बैच की इस एक्सरसाइज 8.2 में। बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको हम ट्रिक बता चुके हैं। देखिए त्रिकोणमिति में आपको करना है बेहतर, तो जाके इस प्लेलिस्ट में देखिए त्रिकोणमिति में फॉर्मूला का ट्रिक बताएं। बाबू बहुत सारा फॉर्मूला इसमें, बहुत ज़्यादा है फॉर्मूला, 30-32 फॉर्मूला है, रटते रटते दिमाग नर्वस हो जाएगा, लेकिन हर फॉर्मूला का ट्रिक हम आपको बताए हैं। आपको 1% फॉर्मूला रटने की त्रिकोणमिति में ज़रूरत नहीं है। और याद रखिएगा, वही चीज़ आप भूलेंगे जो चीज़ याद करेंगे। तो एक काम कीजिए ना, यादें मत कीजिए, तो फिर याद नहीं कीजिएगा तो यहाँ रहेगा कैसे, कैसे समझिएगा? तो उपाय यही है कि उसको समझिए। मात्र 6 नाम बताए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक सेक और कॉट, और 6 नाम पर पूरा 32 फॉर्मूला का ट्रिक बता दिए हैं बहुत मज़ेदार तरीके से। जाके प्लेलिस्ट खोल करके चेक कीजिए। अगर आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लाना है तो आपको एक एक वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा। या आपको एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका ट्रिक बताया था। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए, ऊपर डालिए 30 तो नीचे हो जाएगा 60, ठीक है, और ये तो खानदानी है कि ये 90 डिग्री होगा ही होगा। एक नीचे रहेगा, 2 यहां रहेगा, √3। ये फॉर्मूला था 30 और 60 के लिए। साइन 60 का मान कितना होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो 60 के लिए सामने वाला लंब, ये सामने वाला क्या होगा? लंब। जिस एंगल का बात करेगा उसके सामने देखा जाता है वही उसका लंब होता है। तो सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। कर्ण जिंदगी में ये कर्ण देवी तो कभी चेंज होंगी ही नहीं, ठीक है। तो साइन 60 का मान क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण हो जाएगा, यानी √3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? कॉस है, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई रहता है। कॉस 30, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? थीटा की जगह पे 30 है, आधार बटा कर्ण होता है। तो बताइए 30 बोला है, क्या बोला है? 30। तो 30 के लिए लंब कौन होगा? बताए थे कि जिसका बात करेगा उसके सामने वाला लंब होता है। तो साइड वाला क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इसके लिए ये लंब है तो ये वाला आधार हो जाएगा। आधार हमेशा पास में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा? √3, और बटा कर्ण हो जाएगा 2। एक और चीज आपको बता दे, अगर साइन 60 का मान जो कुछ भी आएगा वो अगला वाला 30 में होता है, यानी कॉस 30 में। अगर यहां हम लिख दे कॉस 60, क्या लिख दे? कॉस 60 का मान कितना होगा? तो पता है कितना होगा? जितना साइन 30 का मान होगा। अगर यहाँ 60 होगा तो यहाँ 30 होगा, यहाँ 30 होगा तो यहाँ 60 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 60 है तो 30 वाला दोनों मान क्या हुआ है? बराबर आया है। अब देखिए प्लस, यहाँ देखिए दोनों सेम कैसे होगा? साइन 30, साइन 30 क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? 1, और कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण तो कभी नहीं बदलता है, यही बदल सकता है, लंब कभी ये होगा कभी ये होगा, लेकिन कर्ण यही रहेगा। कॉस 60 जाहिर सी बात है बराबर होगा, यहाँ 30 है तो कॉस में 60 में बराबर होता है। कॉस 60 होता है आधार बटा कर्ण, इसके लिए तो आधार यही होगा 1/2। अब इसको सॉल्व करिए, √3 में √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। डायरेक्ट कैसे कीजिएगा? अरे 2 ये है तो 2 कैसे लिखते हो? वैसे स्क्वायर कर देते हो, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, और खत्म हो गया तो सिर्फ क्या बचा है? 3। तो डायरेक्ट लिखिए ना 3, और 2 2 4, प्लस ये हो जाएगा 1 + 4, ये बट्टा का जोड़ सबको आता होगा, ठीक है। 4 by 4, 4 1 4, इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका एक नंबर का आंसर 1 हो गया। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बारी नहीं है, बस दिल से, इसी से दिल लगाना है। इस बार मोहब्बत फिर से होगी, लेकिन उसमें कोई टूटेगा नहीं, क्योंकि हम लोग को मोहब्बत इससे करना है, त्रिकोणमिति से करना है। आपको त्रिकोणमिति की प्रेम कहानी बता चुके हैं, बहुत टफ है, ठीक है। हमेशा दोस्त साथ रह सकते हैं, इसीलिए ये दोस्त क्या है? साथ है, ठीक है। ये हमेशा बेवफा निकल जा रही है। यहाँ देखो ये क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, लिखा है यहाँ पे 2 tan² 45 प्लस cos² 30 और माइनस 30 डिग्री, आप डिग्री डाल लीजिएगा, sin² 60 डिग्री, ये क्या कीजिएगा, ठीक है। 45 के लिए फॉर्मूला अलग बताए थे, उसके लिए ट्रिक था ऐसे, ठीक है। यहाँ भी 45 था और यहाँ भी 45 था, जब ये दोनों कोण बराबर तो ये लाइन भी दोनों बराबर हो गए, ये भी 1, ये भी 1, ये √2, ठीक है। यहाँ देखिए इसका वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ 2 है तो सराफत से 2 लिख लीजिए, ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है? वैसे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। tan थीटा का ही हम लोगों का नियम फॉलो करना है, 1/1 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट 1 लिखिए ना, इसका क्या है? स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, प्लस
कॉस 30 का मान कितना होगा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो 30 के लिए आधार कौन होगा, जाहिर सी बात है इसके लिए तो सामने वाला आधार नहीं होगा, क्योंकि सामने तो लंबा आदमी को देखते हैं ना, लंब होता है सामने, ठीक है। तो ये वाला आधार हो जाएगा रूट 3 और बट्टा में कर्ण क्या हो जाएगा 2। साइन 30 का मान तो हमने भर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर रहेगा। माइनस कॉस 60 का मान कितना होगा, कॉस 60 का मान लंब बटा साइन 60, सॉरी यहाँ साइन 60 कितना होगा, लंब बटा कर्ण होगा, तो हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये बट्टा मत समझिएगा, ऐसे ही हम दिए हैं, ठीक है। 2 हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में 2 से मल्टीप्लाई 2 ही हो जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप बताइए कि ये दोनों का ना स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, दोनों का। तो ये 3 कहता है कि हम अपना अपना अलग हो जाते हैं, हम लोग दोनों एक ही में स्क्वायर नहीं, हम भी 2 एक बार अपना लेंगे, पर्सनल 2 ये भी लेगा। तो जब 3 अलग लेगा अपना और 2 अलग लेगा, तो स्क्वायर से रूट का हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 3, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो डायरेक्ट लिखिए ना, स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचेगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस, ये भी स्क्वायर से रूट खत्म हुआ, तो 3 और ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। और एक चीज़ आप जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ एक जैसा दिखे और एक प्लस में हो एक माइनस में, जैसे ये देखिए ये प्लस और माइनस है, तो यहाँ कुछ नहीं दीजिएगा तभी भी प्लस ही पाए, तो 2 में से 2 जाएगा क्या हो जाता है 0। ये भी तो वही है ना, एक जैसा है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या बच गया 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, लगा हो मज़ेदार, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। थोड़ा सा एक घुमादार नहीं है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है, आप देखिएगा आप कहाँ मिस्टेक कीजिएगा उसको नोट कीजिएगा, आप एक जगह ज़रूर मिस्टेक करेंगे, आप बनाते बनाते जाइएगा, जैसे ही सॉल्व करने का बात आएगा ना वहाँ आपसे फंसना शुरू हो जाएगा, उसको ध्यान से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ कैसे हम लोग करते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन में पहले कॉस 45 का मान भरना है, 45 वाला ये है और 30 और 60 वाला ये है, ठीक है, ये याद रखना है। बताइए कॉस 45, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है 1, आधार क्या दिया है 1 और कर्ण क्या है √2 है, फिर उसके बाद क्या है बट्टा है, तो बट्टा डाल देते हैं इसका मान। सेक 30, सेक 30 का मान क्या होता है जी, पहले सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, कॉस बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण, तो आप बताइए कि सेक बराबर क्या होगा, कर्ण बट्टा में आधार, लेकिन 30 बोला है ना, तो यहाँ देखिए 30 के लिए कर्ण तो वही होगा, कर्ण 2 होगा बट्टा कर्ण, बट ये होता है सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा में आधार, ये याद रखना है। तो कर्ण तो वही है, लेकिन 30 के लिए आधार कौन है, तो 30 के लिए आधार ये नहीं, तो सामने वाला लंब होता है ना, ये √3 है, पास में आधार होता है √3 और प्लस कौशिक 30, कौशिक किसका उल्टा होता है, कौशिक होता है साइन का उल्टा, साइन बराबर होता है लंब बट्टा में कर्ण होता है, तो कौशिक बराबर क्या हो जाएगा कर्ण और लंब, ठीक है। तो कर्ण तो आपका हो जाएगा 2 और लंब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना डिग्री था 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लिए लंब क्या होगा 1, क्या होगा 1, बस इसको सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ध्यान से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि रूट वाला पे थोड़ा सा लोचा होता है, ठीक है, और लोचा नहीं होगा, थोड़ा सा हम लोग अच्छा से देखेंगे। तो 1/√2 लिख देते हैं और बट्टा, ये बट्टा का जोड़ इस काम करते हैं नीचे वाले का, ये मेन बट्टा दिया है, ई वाला बट्टा है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो √3 होगा, ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 2√3, नहीं समझ आया, एलसीएम निकालते हैं इसमें डिवाइड करोगे एक जैसा होगा, तो 1 होता है मल्टीप्लाई 1, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है, इतना आपको आना जरूर चाहिए, नहीं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कीजिए, वो भी बताया जाएगा। यहाँ देखिए तो बाबू ये यहाँ 1, 2, 3 बट्टा हो गया, 4 नंबर हो गया, और हम लोग तो 2 ही बट्टा पड़े हैं ना, बस ऐसे बट्टा में दिया हो, लेकिन इसका एक उपाय है, एक ट्रिक होता है, रूल होता है, ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे नीचे, नहीं समझे, ऊपर नीचे दोनों कहाँ चला जाएगा ऊपर, और दोनों बीच वाला नीचे आ जाएगा। देखिए कैसे ऊपर और नीचे, यही ना ऊपर नीचे कहाँ चल जाएगा ऊपर, ऊपर और नीचे ऊपर, और दोनों बीच वाला कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, यानी √2 और ये हो जाएगा 2 + 2√3। देखिए दोनों बीच वाला आ गया कि नहीं नीचे, एक आ गया ये वाला और ये भी बीच वाला है, तो ये लिख दिए और ये भी लिख दिए, दोनों नीचे है और ऊपर और नीचे कहाँ है ऊपर है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे देखिए √3 में 1 से तो √3 हो जाएगा, और बट्टा
रूट टू में टू से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई का एक रूल होता है कि जब किसी में मल्टीप्लाई नहीं होता है तो मल्टीप्लाई करें, क्या हो गया मल्टीप्लाई है तो पास में रहते हैं ना, कोई ज़रूरी है कि आप मेरे साथ मतलब मेरे से मल्टीप्लाई करके ही खुश हैं? तो यही बात यहाँ पे होता है। कभी एक्स और वाई गुस्सा होता है, मल्टीप्लाई गुस्सा नहीं होने देता है, कहता है ठीक है एक्स और वाई में तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, एक काम करो ना एक्स वाई हमेशा पास में रहता है, जब मल्टीप्लाई नहीं होता है तो इसे सटा के लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन यही अगर एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है इसीलिए स्क्वायर में हो जाएगा। ये भी सेम नहीं था इसीलिए बोला कोई बात नहीं स्क्वायर में नहीं हो सकते, पास में तो रह सकते हैं ना, ठीक है। हम लोग दोस्त बन के रहेंगे, साथ में नहीं रहना है, ऐसे ही तो दोस्त बन के रहते हैं। यहाँ देखो वही बात यहाँ पे भी है, टू में रूट टू से तो मल्टीप्लाई नहीं होगा तो दोस्त बन के साथ में रहेगा ना, और प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, हाँ इसका भी रूट है और यहाँ भी रूट है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स रूट में, और यहाँ क्या हो सकता है टू हो सकता है, ये हो गया और ये टू रह गया। जब भी ऐसे कभी क्वेश्चन आए और नहीं बन पाए, अब इसके बाद से मामला फंस गया कि अब क्या करें, ये तो बहुत बड़ा लोचा हो गया। लेकिन ऐसे कंडीशन में जब नीचे रूट होता है तो उसका परमेकरण करते हैं यानी रेशनलाइजेशन करते हैं, कैसे लिखते हैं यही चीज़ सामने उतार देते हैं, ठीक है टू रूट सिक्स, लेकिन जहाँ प्लस होगा वहाँ क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, और ये दो बार लिखते हैं कितना, इसी को कहते हैं परमेकरण। सेम चीज़ को लिख देना लेकिन जहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, रूट थ्री में इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा यानी दो रूट छः हो जाएगा, और माइनस है तो मैं फिर थ्री में इससे कीजिए तो कितना होगा, तीन छः का अट्ठारह हो जाएगा, टू रूट अट्ठारह हो गया सिंपल। और बट्टा ये तो एक फार्मूला पे सेट है, दोनों आपको बताए हैं क्या फार्मूला है, अगर कभी भी ऐसे फार्मूला आ जाए, ये फार्मूला ऐसे ही होता है, ठीक है। बताइए ये दोनों सेम है लेकिन एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, कितना बार है दो बार है, तो इसको दो बार लिख देना ऐसे, ये भी बी है दो बार तो दो बार, और ये प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। जब भी सेम दिखे एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो तो पहला वाला का स्क्वायर कर दो फिर दूसरा वाला का, बीच में माइनस रहता है, ठीक है। तो वही काम करो ना, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर कर दो, टू रूट टू का स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस इसका भी स्क्वायर कर दो, यानी ए प्लस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये आपको सॉल्व करना है, याद इसको एज इट इज वैसे ही उतार देते हैं, टू रूट सिक्स। अठारह को भी चाहे तो आप निकाल सकते हैं, कैसे, रूट से बाहर निकालने का रूल होता है, अठारह को तोड़िए कितना हो जाएगा, दो नवा अठारह और तीन त्रिका नौ हो जाएगा, यानी कि जब अठारह को तोड़े हैं तो आया है टू इंटू थ्री इंटू थ्री, ये रूट में ऐसे लिख देते हैं, अठारह यहाँ पे था तो उसके जगह पे क्या हो गया ये हो गया। और रूट से बाहर कौन निकलता है, जो जोड़ा में होता है ना वो रूट से बाहर निकल जाता है, यानी अगर आप लाइफ में जोड़े में है ना तो आप ठीक है खुश है ना जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ देखिए ये जोड़ा में है तो ये कहाँ आ जाएगा बाहर, तो थ्री बाहर आ जाएगा और टू अंदर हो जाएगा, क्योंकि इसका जोड़ा कोई नहीं है तो बेचारा अंदर घुटेगा अकेले, ये दोनों जोड़ा में था तो एक ठो बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, थ्री रूट टू आया, क्या आया थ्री रूट टू, तो आप ऐसे लिख सकते हैं टू, अट्ठारह को लिख सकते हैं थ्री रूट टू, यहाँ मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। और ये देखिए तो यहाँ इसको गौर से समझिएगा, इसको जब समझने के लिए बताइए दोनों का स्क्वायर है ना ये, तो दो का स्क्वायर कितना होगा, दो का स्क्वायर हो जाएगा चार, और रूट टू का जब स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म तो खाली क्या बचेगा दो, इसका किए तो चार आया इसका किए तो सिर्फ दो आया, ये दोनों को मल्टीप्लाई हो तो चार दोनों कितना हो जाएगा आठ, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद आठ आ रहा है। वैसे ही ये भी है, दो का स्क्वायर तो चार हो गया, और ये छः का जब रूट छः का स्क्वायर होता है स्क्वायर से रूट खत्म तो सिर्फ छः बचेगा, और छः चौका कितना हो जाता है चौबीस हो जाता है, ठीक है ये आपको समझना है। यहाँ देखिए टू रूट सिक्स माइनस तीन दूना ये नंबर है तो गुणा दो तीन ही छः हो जाएगा, रूट में टू और बट्टा चौबीस में से जब यहाँ कॉमन लीजिएगा कितना, चौबीस में से आठ जाएगा तो माइनस में बचेगा सोलह, कितना बचेगा माइनस में 16। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल करना है, वो स्पेशल काम क्या है ध्यान से समझिए, यही ना है आपका, ठीक है। ये दोनों में कुछ एक जैसा दिख रहा है, देखिए ना इसमें भी दो का पहाड़ा यहाँ दो है, ये भी छः आता है दो का पहाड़ा में, तो दोनों में से दो कॉमन निकाल लीजिए, जब दो कॉमन निकालिएगा तो यहाँ सिर्फ बचेगा रूट सिक्स और माइनस, यहाँ क्या बचेगा दो का पहाड़ा पड़ेगा तो दो तियाँ छः तीन बार में कट जाएगा रूट टू, और बट्टा में यहाँ पे क्या है माइनस में सोलह, इसको कटाइएगा तो दो अट्ठे सोलह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना बचा रूट सिक्स माइनस थ्री रूट टू
ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा, माइनस में 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इससे भी संतुष्टि नहीं मिली कि हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो एक और उपाय बता रहे हैं, ठीक है। इसमें से जब माइनस कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लीजिएगा, माइनस। एक बात जान लीजिए, माइनस एक पनौती है, ठीक है। जैसे ही वो आया या गया कहीं पे भी, समझो सब कुछ बदल के रख देगा। जो प्लस में होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही इसमें से माइनस कॉमन एक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, माइनस, तो ये सब सिंबल बदल जाता है। सिंबल कैसे बदल जाता है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ ये मिटा करके फिर बता रहे हैं आपको। यहाँ देखिए, वो क्वेश्चन आपका है माइनस सिक्स, यहाँ पर लिखा है रूट सिक्स माइनस थ्री रूट टू और बट्टा में माइनस एट। हम बोल रहे हैं कि इसमें से माइनस कॉमन हो जाएगा, तो जैसे ही माइनस बाहर आएगा ना, तो ये प्लस में है, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में छः हो जाएगा रूट में, और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में थ्री रूट टू। अब ये मत कहिए सर ये कैसे प्लस में है, आगे कुछ नहीं होता है तो आगे प्लस है, ये माइनस में हो गया, ये प्लस, माइनस था तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया, माइनस में आठ था, माइनस से माइनस खत्म हो गया और बच किया गया माइनस रूट सिक्स प्लस थ्री रूट टू और बट्टा में एट। और इसको और खूबसूरत लगने के लिए क्या कर देते हैं हम लोग, इसको आगे लिखते हैं प्लस वाले को थ्री रूट टू, और माइनस वाले को पीछे लिखते हैं रूट सिक्स और बट्टा में एट। तो इस तरह से पूर्ण रूप से आपका क्या होता है, आंसर आता है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको हम बता दें, आप यहीं पे आंसर लिख दीजिएगा तो भी गलत नहीं है। आपको कैसे पता है, हमको बताइए, कि ये वाला इतना ही आंसर आएगा, ये क्यों नहीं हो सकता है, वो नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, और ये आंसर आपका करेक्ट है, तो दोनों आपका आंसर करेक्ट है। आप वहाँ तक छोड़ दीजिए तो भी ठीक है, यहाँ छोड़ दीजिए तो भी ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यही बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। ये बनाइएगा, ध्यान से समझिएगा, लेकिन एक काम करते हैं, इसमें किसका किसका मान निकालना है, एक 30 है, एक जगह 60 है, एक जगह 45 है, फिगर बना लीजिए। फिगर कैसा था, 45 वाला तो आसान था, आसान था, यहाँ पे 45 45, और यहाँ का हो जाएगा 1 1 रूट 2, और एक क्वेश्चन था यहाँ पे जो यहाँ 30 था 60 था, ठीक है, 1 2 और रूट 3, 90 क्या डाले यार, हरदम तो 90 वहाँ रहेगा ही। यहाँ देखिए, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 होता है पहले साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो 30 के लिए लंब सामने वाला, एकदम देने देर कीजिए, लंब बटा कर्ण, तो डायरेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर ये हो गया आपका 1/2, प्लस कॉस 45 होता है लंब बटा आधार, तो प्लस में क्या हो जाएगा 1, कॉसिक 60, कॉसिक बराबर होता है कर्ण, पहले कर्ण होता है फिर लंब होता है, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसिक, तो यहाँ कर्ण बटा लंब, लेकिन यहाँ 60 है तो 60 के लिए तो कर्ण तो यही होगा 2, लेकिन 60 के लिए लंब कौन होगा, रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बट्टा करते हैं, ठीक है, ऊपर का वैल्यू भर लिए, नीचे वाला देखें, सेक 30, सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, यानी कि कर्ण बट्टा आधार होता है, तो 30 के लिए, 30 के लिए कर्ण हो जाएगा 2 और आधार हो जाएगा रूट 3, ठीक है, और प्लस, ठीक है, यहाँ देखिए कॉसिक 60, ठीक है, आधार बट्टा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, और वैसे ही ये है मतलब कि कॉट 45 तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/1 लिखिए चाहे 1 लिखिए, दोनों बात क्या है एक ही है, लेकिन इसमें ज़्यादा क्या, यही वाला चीज़ यहाँ भी लिख दिया गया है, ठीक है, और हर यहाँ पे माइनस है, क्या यहाँ पे माइनस है, अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। आंसर कैसे आएगा यहाँ समझिएगा, बट्टा एक मान के जब बट्टा का आप जोड़ कीजिएगा ऊपर वाले का, ठीक है, तो जब ऊपर जाते हो जाएगा 2√3, क्योंकि जब एलसीएम नहीं होता है तो मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 2 से 2 खत्म, सिर्फ क्या बचा √3 प्लस, इसमें कुछ नहीं है तो डायरेक्ट ये पूरा लिख दिया जाता है माइनस, 3 से 3 खत्म, सिर्फ बचा 2, और नीचे आंसर 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बट्टा अब इसको सॉल्व करते हैं, बट्टा एक मान के नीचे वाले को, ठीक है, इसका एलसीएम भी उतना ही होगा 2√3, ये हो जाएगा आपका √3 से √3 खत्म, ठीक है, और बचा क्या 2 × 4 प्लस, ये हो जाएगा √3, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 2√3, ये पूरा आपका सॉल्व होकर के आया है, ठीक है, आंसर नहीं आया है अभी, आंसर अभी थोड़े आएगा, अभी देखिए क्या करना है। अब ये 4 ठो यहाँ नंबर दिख रहा है, 2 ठो 3 ठो बट्टा है, ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे नीचे आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मत कीजिए, जानते हैं ये दोनों सेम दिख रहा है ना, काट दीजिए, ये दोनों खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा है, अब ऊपर थोड़ा सा सही सलामत लिखते हैं, यहाँ पे ऊपर बचा है √3 प्लस,
टू रूट थ्री और माइनस में फोर, और नीचे क्या बचा है यहाँ पे, नीचे बचा है आपका फोर प्लस रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री। अब क्या कीजिएगा, परमीकरण चलिए वो भी करके देखते हैं, लेकिन एक और बात, रूट थ्री यहाँ कितना है, दो ठो है, टू रूट थ्री का मतलब होता है कि रूट थ्री कितना है, दो ठो, एक ठो यहाँ पे, तो दो और एक कितना हो जाएगा, थ्री रूट थ्री माइनस में फोर। यहाँ देखिए फोर प्लस दो ठो और एक ठो कितना हो जाएगा, थ्री रूट थ्री, रूट थ्री यहाँ दो है और एक ऑलरेडी यहाँ पे, थ्री रूट थ्री। अब इसका परमीकरण आप कर सकते हैं, परमीकरण करने के लिए क्या करिए, प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फोर माइनस थ्री रूट थ्री और ये हो जाएगा फोर माइनस थ्री रूट थ्री। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए इससे दोनों में कीजिए, ब्रैकेट का एक रूल होता है, समझिएगा क्या रूल होता है, रूल ये होता है कि एक ब्रैकेट के साइड में जो होगा ये दोनों में मल्टीप्लाई करेगा, तो एक्स में दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ये वाई में भी दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही रूल होता है। तो करते हैं ना, इससे इसमें करेंगे तो तीन चौका कितना हो जाएगा, बारह हो जाएगा, तीन चौका बारह, रूट तीन है तो रूट तीन। अब इसमें करते हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे थ्री रूट थ्री में अगर थ्री रूट थ्री से कीजिएगा तो ये थ्री थ्री जगह कितना हो जाएगा, नाइन, यानी तीन थ्री का नौ, और रूट तीन में जब रूट तीन से गुणा होता है तो क्या हो जाएगा, रूट तीन का स्क्वायर एक जैसा होता है, तो स्क्वायर स्क्वायर से रूट का हो जाएगा खत्म, तो खाली बचेगा तीन और नौ थ्री कितना होगा, सत्ताईस। डायरेक्ट आप लिखिएगा यहाँ पे माइनस में 27। ये चार चौका, अब ये इससे तो हो गया, फोर से कीजिए, चार चौका 16 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ठीक है, और ये चार तीन कितना हो जाएगा, बारह रूट तीन, ठीक है, और बट्टा में ये तो फॉर्मूला पे सेट है, चार का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, थ्री रूट थ्री का स्क्वायर। इसमें कुछ देखिए तो एक जैसा मिल रहा है, कुछ भी अगर यूनिक चीज़ कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे, यूनिक चीज़ क्या है देखो, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लें उसके बाद देखते हैं। बारह रूट थ्री यहाँ पे भी और बारह रूट थ्री यहाँ पे भी, तो रूट थ्री बारह गो है और यहाँ पे रूट थ्री बारह गो, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, चौबीस हो जाएगा, रूट थ्री कितना हो जाएगा, चौबीस गो रूट थ्री हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़ेगा तो सोलह और सत्ताईस, जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, ये नहीं कि सिंबल है घटाओ का तो घटा दे, जब एक जैसा सिंबल होता है ना तो जोड़ते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता तो घटा देते, एक जैसा होगा सिंबल तो जोड़ेंगे और इधर उधर चीना होगा यानी सिंबल होगा तो घटाएंगे। तो बताइए सत्ताईस और सोलह कितना होता है, तो सत्ताईस और सोलह 43 होता है, और बट्टा में चार का स्क्वायर हो जाएगा, चार चौका 16 और माइनस इसका स्क्वायर 27 होगा, अभी करके दो बार दिखाए थे, ये तीन तरीका नौ हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो नौ तरी कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कितना हुआ 24 रूट थ्री माइनस 43, और जब ये घटाइएगा तो सात में से छः हो जाएगी नहीं कि माइनस में 11, क्योंकि बड़ा वाला ये दोनों में किस में है, देखिए इसको क्यों घटाए हैं, क्योंकि एक माइनस में है और ये कुछ नहीं है तो प्लस में है 11, इतना ही आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको इस आंसर से ऐतराज़ है, मतलब आप इससे खुश नहीं है, तो उपाय है ना, इस माइनस को हटा दीजिए, उसके लिए करेंगे क्या, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो बताया था कि जैसे ही माइनस बाहर लेते हैं तो सब चीज़ बदल जाता है, ये प्लस में है तो माइनस में 24 रूट थ्री, ये माइनस में है तो प्लस में 43, और बट्टा माइनस 11, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो 43 को कर दीजिए आगे और माइनस वालों को कर दीजिए पीछे, ठीक है, और बट्टा में 11 ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो गलत नहीं है, ये भी सही है और वो भी सही है, आपको जैसा, देखो मैथमेटिक्स को अपने हिसाब से घुमाओ, मैथमेटिक्स के हिसाब से घूमोगे तो फंस जाओगे, ठीक है, खुद के बदौलत ही अपना साम्राज्य खड़ा करो, ठीक है। तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए कितना मज़ेदार है और सबसे छोटा आंसर है। यहाँ एक चीज़ आप देख सकते हैं, आप चाहे ना तो इसको साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वन डायरेक्ट एक फॉर्मूला आपको बताए थे, ग्रुप नंबर चार में बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या, जब साइन स्क्वायर में हो और कॉस स्क्वायर में हो तो इसका वैल्यू वन होता है। तो देखिए ना, साइन और कॉस स्क्वायर में तो इसका वैल्यू वन होगा कि नहीं, लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, थीटा सेम होना चाहिए, अगर ये हो जाए साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री तब वन मत लिख दीजिएगा, ये थीटा दोनों एक जैसा यहाँ दिख रहा है तो यहाँ भी तो एक जैसा दिखना चाहिए ना, ये सेम दिखना चाहिए थीटा तभी वन होता है। लेकिन खुशी की बात ये है, खुशखबरी ये है, क्या खुशखबरी है कि यहाँ पे दोनों का थीटा सेम है
और साइन और कॉस है, तो डायरेक्टली वन लिख दीजिएगा या क्या वैल्यू भरेगा, साइन 30 ढूंढिएगा, कॉस 30 ढूंढिएगा, उतना ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप याद रखिएगा इसमें का जो 3 नंबर क्वेश्चन था वो VBI क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार पूछा है वो एग्जाम में, ठीक है। इसका वैल्यू पुट कीजिए, क्या क्या है बाबू, 60 30 और 45 है, तो फिगर दो ठो बना लीजिए, प्यारा फिगर है हम लोगों का, 45 45, यहाँ 1 1 और रूट 2, और ये वाला देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2 रूट 3, ये 30 वाला है और ये 60 वाला है, ठीक है। यहाँ देखिए कॉस 60 होता है, कॉस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, तो 60 के लिए आधार 1/2 हो जाएगा, पहले 5 लिख दीजिएगा इन टू 1/2 का स्क्वायर प्लस सेक 30, सेक थीटा होता है क्या होता है कर्ण बट्टा आधार होता है, ठीक है, तो कर्ण बट्टा आधार 30 के लिए, तो कर्ण तो 2 होगा ये तो कन्फर्म है, लेकिन इसके लिए आधार कौन होगा, ठीक है, 30 के लिए होता है कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण ये बट्टा में आधार ये हो जाएगा रूट 3, लेकिन इससे पहले क्या लिखा है 4, तो वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, 4 हो गया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, माइनस 10/45 तो 1/1 हो जाएगा, तो 1 ही लिखो ना, हो जाएगा। अब देखिए ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, नहीं तो फिर वैल्यू आपको पुट करके लिखना पड़ेगा यहाँ से, ठीक, क्या लिख दीजिएगा 1, वैसे भी 1 नीचे नहीं लिखा जाता है, ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे, मैंने इसको 5 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का रूट कीजिएगा तो ये स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये 3 हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 1, बट आप कुछ नहीं दीजिए, 1 नीचे लिखने से कोई फायदा नहीं होता है। अच्छा, आपसे कोई पूछेगा ये 5 ऊपर है या नीचे है या बीच में है, तो आपको दिखेगा ये बीच में है, लेकिन नहीं बाबू, ये बीच में दिखता है लेकिन रहता है ऊपर, तो 5 ऊपर है, नीचे कुछ नहीं है, 1 लिखना है तो लिख दीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, बटा में हो गया 4 प्लस 4 चौका 16, बटा में हो गया 3 माइनस 1, यहाँ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 3 इसमें भाग दिया जाता है तो 3 बार में कटा, और 3 में 5 से गुणा तो हो जाएगा 15 प्लस 3 चौका 12 16 चौका 64, इसमें भाग दीजिएगा तो 12 बार में कटेगा और 12 एकम 12 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ करके इसमें से ये माइनस कर लीजिए, तो 5 और 4 5 और 4 हो गया 9, 6 और 1 7, माइनस में 12 और बट्टा में 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 7 में से 1 जाएगा तो 6, और बट्टा में 12, आपका यही आंसर हो जाएगा 67/12। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बिना देर किए। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, मस्त है, अगर आपको फॉर्मूला दिमाग पे है, ठीक है, ग्रुप वाइज याद के हैं तब तो बेहतर है। आप बताइए, देखिए आपको एक चीज़ याद है कि 1 किसके किसके साथ है, तो हमेशा के लिए फॉर्मूला याद हो जाएगा, 1 6 ठो कंडीशन में था, ठीक है, कितने कंडीशन में था, 6 कंडीशन में था, एक सेट था, मामला सेट कर दो, क्या कर दो सेट, तो जिसमें सेक और टेन आए, अगर सेक के साथ 1 आ रहा है चाहे टेन के साथ 1 रहा है तो समझ जाना फॉर्मूला है, तो बताइए ना, 10 के साथ 1 नहीं आया है, आराम से ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि मामला क्या कर दो, सेट कर दो, तो से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और क्या था टी से हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या था 1, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, इधर अकेले बच जाएगा क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, बताइए यही तो लिखा है यहाँ पे, तो बताइए इसके जगह पे हम चाहे तो सेक लिख सकते हैं, अरे नहीं लिखना है तो डायरेक्ट वैल्यू भी भर सकते हैं यार, जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, अगर वैल्यू भी भरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला ऐसे लिखिए, यहाँ क्या बनाइएगा 30, यहाँ बनाइएगा 60, और सॉल्व कीजिए 1 2 रूट 3, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, अब भरते हैं 2 है तो 2 लिख दे इन टू 10 30, 10 थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो 30 के लिए सामने वाला लंब और आधार ये तो 1/√3, ठीक है, और बट्टा यहाँ देखो 1 प्लस, फॉर्मूला भरना है तो यहाँ सेक लिख सकते हैं, नहीं लगना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी वही हो जाएगा 1/√3, क्योंकि दोनों तो सेम है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिएगा, 2 में 1 से गुणा तो 2/√3, और बट्टा 1 प्लस, 1 का स्क्वायर 1 और √3 स्क्वायर खत्म हो गया तो खाली का बचा 3, 2/√3 बट्टा एलसीएम लीजिएगा 3 हो जाएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा 1, 2/√3 और बट्टा में 3 और कितना 4, बट्टा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर कर दीजिए तो 2 इंटू 3 ऊपर, दोनों बीच वाला क्या हो गया नीचे हो गया, यानी कि 4 और 3 ये नीचे हो गया, इससे ये कट गया, 2 2 ना 4 बचा ऊपर 3 और 2√3 बचा,
जब भी नीचे रूट थ्री हो तो पर में करण हो जाता है, तो हो जाएगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक ही जैसा। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, थ्री रूट थ्री, थ्री रूट थ्री हो जाएगा। और ये देखिए टू इंटू तीन, और तीन दो ठो है तो तीन थ्री का नौ का वर्गमूल तो तीन ही ना होता है, तीन से तीन खत्म। क्या बचा यहाँ पे, ऊपर बचा रूट थ्री और नीचे बचा दो। रूट थ्री बाई टू इसमें से किसका फॉर्मूला होता है, रूट थ्री बाई टू यानी कि रूट थ्री बाई टू लंब बटा कर्ण किसका होता है, साठ का होता है, साइन साठ का मानते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो देखो तो इसमें रूट थ्री यानी साइन साठ का ही है, फर्स्ट नंबर आंसर इसका सही है। यानी ये किसका वैल्यू होता है, साइन साठ का वैल्यू होता है। ऐसे भी बन सकता है, अदरवाइज इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे भी एक बार बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए, ये लिखिए टू इंटू टेन तीस तो होता है वन बाय रूट थ्री और बट्टा ये फॉर्मूला होता है सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, तीस है तो तीस, टू वन जै टू हो सकता है और यहाँ पे हो जाएगा रूट थ्री और बट्टा ये क्या होता है कर्ण बट्टा आधार, सेक स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण तो यहाँ पे दो है और 30 के लिए आधार कौन है पास वाला रूट थ्री, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा ठीक है, टू बट्टा रूट थ्री, दो का स्क्वायर चार होता है और ये तीन से रूट खत्म हो जाएगा तीन, फिर वही बात आ गया ऊपर नीचे, ऊपर तो टू इंटू थ्री और ये हो जाएगा रूट थ्री इंटू फोर, दो दूना चार हो गया ठीक है, ये हो गया थ्री बट्टा टू रूट थ्री, और वही फिर पर में करण जो पहले किए थे रूट थ्री इंटू रूट थ्री, कितना हो जाएगा थ्री रूट थ्री और ये हो जाएगा टू इंटू थ्री, थ्री से थ्री खत्म, फिर वही बचा रूट थ्री बाई टू, और जब रूट थ्री बाई टू बचा तो किसका वैल्यू होता है साइन साठ का वैल्यू होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो बिना देर की हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ टू का टू नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या है, ये तो ऑप्शन है, इसको हमको क्या करना है, बस इसको बना करके इसमें से कौन सा सही है, वन माइनस टेन पैंतालीस, आपको सबको पता है पैंतालीस में क्या होता है, ये वन वन और ये टू होता है, और टेन थीटा तो होता है लंब बटा आधार, यार लंब इसको मानो चाहे इसको मानो दोनों तो आंसर सेम है, वन ही ना है इसका, तो टेन पैंतालीस का मान हो जाएगा वन, तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर और बटा वन प्लस वन का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा वन माइनस, ठीक है टेन पैंतालीस भी वही होता है वन बटा वन, तो बट्टा लिखने से कोई फायदा नहीं होता है, तो ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा वन बटा वन प्लस वन, वन में समझ जाएगा जीरो और बटा वन और वन टू, जीरो में कुछ ही चीज कोई भी चीज से भाग दो आंसर क्या आता है जीरो, देखिए तो इतने में कहीं भी जीरो दिया है, ऑप्शन डी आंसर सही मार लीजिएगा, ये बहुत ही आसान है। इसके बाद बिना देर किए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, आसान है लेकिन थोड़ा सा ये उलझाऊ लगता है, और ये कई बार मल्टीपल चॉइस में वीवीआई इसको मान लो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ठीक है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, ये तो ऑप्शन हो गया आपका कौन सा इसमें से सही है, कह रहा है कि साइन टू ए बराबर दिया है टू साइन ए, ये दोनों बराबर है ठीक है, वो तो बराबर है भी ठीक है, तो यहाँ पे तब सत्य होगा, कब सत्य होगा जब ए बराबर होगा, ए का मान इसमें क्या भरिएगा, क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो एक का मान या तो दो गो ऑप्शन है सब एक, या तो सब भर के चेक कर लो, इसमें अगर जीरो भरोगे तो यहाँ पे भी जीरो भरना पड़ेगा, यहाँ तीस भरोगे तो यहाँ भी तीस, और दोनों को बनाना अगर बराबर आंसर आ गया तो ये वाला सही, अगर इसको भरने से दोनों बराबर गया तो ये, इसको भरने से आ गया तो ये, यानी ये कई बार चेक करना पड़ेगा, उससे बेहतर हम उपाय बता रहे हैं, ये साइन टू ए का एक फॉर्मूला होता है, साइन टू ए बराबर होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए, यानी साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है ठीक है, टू थीटा टू साइन थीटा और एक होता है कॉस थीटा, तो वही लिख दिया और इज इक्वल टू में क्या है टू साइन ए, बताइए इसमें एक जैसा कुछ दिख रहा है, यहाँ गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यहाँ कॉस ए बराबर होगा टू साइन ए और बटा में टू साइन ए, कटेगा तो क्या हो जाएगा वन, कॉस ए बराबर वन, आप बताइए कि कॉस ए बराबर वन, वन कॉस के टर्म में किसी का फॉर्मूला होता है, तो याद कीजिए साइन जीरो का वैल्यू साइन जीरो जीरो और कॉस जीरो वन होता है, याद रखिए साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन, तो बताइए यहाँ लिखते हैं कॉस ए बराबर वन किसका वैल्यू होता है कॉस जीरो का, तो वन के जगह पर लिखते हैं कॉस जीरो, कॉस से कॉस खत्म, ए बराबर क्या हुआ जीरो, यानी ए बराबर अगर जीरो भरिएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा ए का मान निकल गया जीरो। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और इसके बाद वाला जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ना वो तो बहुत बड़ा वाला वीवीआई है, वो तो पूछता ही है,
वो पूछेगा या उस बेस पर पूछेगा। तो बने रहिए ज्ञापन एकेडमी के साथ और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, आसान है, मजेदार है, मजा ले लेके पढ़िए। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, 2 है तो 2 लिख दीजिए, 10 30 होता है, याद कीजिए, आप दिमाग ला के याद कीजिए, बार बार फिगर मत बनाइए। ऊपर 30 था तो होता है 10 थीटा बराबर लंब बटा, क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। 30 के लिए नीचे लंब यानी नीचे 1 था तो क्या हो जाएगा 1, और आधार यहाँ पे था √3 तो √3 लिख दीजिए, ठीक है, और बटा 1 माइनस, ये भी तो वही है ना, तो 1 बटा √3 लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर, 2 एकम कितना हो जाएगा 2 बटा √3 और बटा ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 3 क्योंकि स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है, 2 बटा √3 और बटा ये कीजिए आप LCM तो हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2 बाई √3 और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बट्टा में, यहाँ क्या हो जाएगा 3। ऊपर नीचे ऊपर कीजिए तो ऊपर और नीचे ऊपर यानी 2 और 3 ऊपर और दोनों बीच वाला नीचे तो 2 और √3 नीचे, 2 से 2 खत्म, बचा इतना रूट, ये इतना बचा। और जब भी नीचे रूट हो तो क्या करते हैं, करते ये हैं कि यहाँ पे परमेकरण कर देते हैं, ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3√3 और ये 3 × 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, 3 से 3 खत्म, आंसर आया √3। अब बताइए √3 इसमें से किसका वैल्यू है, ठीक है, तो √3 होता है टेन 60 का वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन 60 बराबर होता है √3, टेन 60 आपका सी आंसर हो जाएगा। लीजिए इसका स्क्रीन शॉट और फिर बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा है तो यहाँ अगर टेन है तो यहाँ क्या दे देगा, कॉट दे देगा या फिर कॉस दे देगा, साइन दे देगा, ऐसे ही कुछ ना कुछ हमेशा क्वेश्चन देगा जो कि बहुत ही मजेदार है। आपको इस क्वेश्चन को समझना चाहिए और इसको एक रट लो, ये VBI लिख लो, ये लिख के दे रहे हैं एकदम, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ समझिए क्या कह रहा है, ये दे दिया यहाँ पे 10 ऐसे और 10a + b दे दिया है √3 और 10a - b इतना दे दिया, और यहाँ कह रहा है कि a + b जो यहाँ दिया है ना ये क्या है, बड़ा है 0 से, और किससे छोटा है, 90 है या 90 से छोटा है, तो a और b में अगर a बड़ा हो तो a और b का मान निकालिए कि कितना बड़ा है और वो है कितना, ठीक है, यानी दोनों को जोड़ने पर 90 तक जाएगा, ठीक है, लेकिन 90 से छोटा भी हो सकता है, 90 तक पहुंच सकता है जिसमें a बड़ा है, a क्या होगा, a का वैल्यू जो भी आएगा बड़ा आएगा। यहाँ समझिएगा, पहले हम इसको बना रहे हैं, यहाँ क्या है 10a + b और यहाँ क्या है √3। एक चीज आप दिमाग में रट लीजिए कि यहाँ जो है यहाँ उसको उसी में बदलते हैं, अगर यहाँ पे रह जाए sin a + b और यहाँ रह जाए √3/2 तो कोशिश करो कि यहाँ जो है ना वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो साइन के टर्म में कोई √3/2 होता है कि नहीं ये दिमाग लगाना है। तो आप बताइए यहाँ 10 है तो कोशिश ये कि 10 का मान √3 में होता है कि नहीं, तो होता है ना, यहाँ 10 लिख दीजिए a + b और यहाँ 10 का मान होता है 10 60 का मान होता है कितना √3 होता है, यानी कि 10 60 बराबर क्या होता है √3 होता है। अब देखिए 10 से 10 खत्म और यहाँ हो गया a + b = 60°, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, फिर a यहाँ लिखा है 10a - b = 1/√3 तो यहाँ लिखिए 10a - b और 1/√3 10 के टर्म में होता है 10 30 का मान होता है, 10 से 10 खत्म, a - b बराबर कितना 30° हो गया, समीकरण हो गया आपका 2। और जब 1 2 पता हो गया तब तो समीकरण आसान है, अगर आप लेसन पढ़े होंगे 4 लेसन तो और आसान लगेगा समीकरण सॉल्व करने। समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है a + b = 60, समीकरण 2 क्या है a - b = 30। जोड़िए 1a कितना है 2a, इसको कैसे जोड़िएगा, ये तो घटा में है ना, तो b में से b जाएगा 0 खत्म हो गया, = 60 और 30 कितना होता है 90 होता है, कटाइएगा तो ये हो जाएगा 45, ठीक है, a बराबर कितना हो गया 45° हो गया, a बराबर कितना हो गया 45°। तो जब a बराबर 45° होगा तो ले जाके किसी में भर ना दीजिए निकल जाएगा, तो a का मान समीकरण समी लिख के डॉट दे दिए,
इसमें भरिए चाहे इसमें भरिए, दोनों बात एक है। हम दो में भरते हैं या एक में भरते हैं, एक आमान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, एक क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए का मान आया है 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, नंबर को नंबर के पास भेजो, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अकेले इधर बी बच जाएगा 60 माइनस 45, बी बराबर 60 में से 10 में से 5 जाएगा, हो जाएगा ये 5 और ये हो जाएगा एक, बी बराबर कितना आया 15 डिग्री आया, तो ए का मान आपका आया 60 डिग्री और बी का मान कितना आया 15 डिग्री, जो कि ए और बी का मान निकालना है। आप देख सकते हैं कि ए और बी में कौन बड़ा है, ए जिसके तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, तो ये बड़ा है भी 45 डिग्री। तो ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और इसको डीपली समझ के रखिए अपने दिमाग में हमेशा के लिए, क्योंकि जब हम इसका एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल दिया है उदाहरण वो कराएंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही मजेदार है, मल्टीपल चॉइस यानी एक तरह से समझिए तो ये सत्य और असत्य यानी ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि साइन ए प्लस बी और साइन ए और प्लस साइन बी ये दोनों का आपस में बराबर होता है। अब ये मत कहिए कि साइन में ए से गुणा किए तो साइन ए आया है और साइन में बी से किए तो साइन बी आया, नहीं बाबू ऐसे नहीं होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर ए का मान कुछ देर के लिए आप 30 रख दे और बी का मान रख दे 60, ठीक है, b बराबर क्या रख दे 60, और ये 60 और 30 मिला के कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। उसी तरह ये ले जाकर यहाँ 30 रखे, यहाँ ले जाकर ये 60 रखिए, ठीक है, जब वैल्यू निकालिएगा ना तो ये 1 आया है लेकिन ये 1 आंसर नहीं आएगा, आप वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, ठीक है। हम आपको तरीका बता दिए, यानी कि ये क्या होगा, फॉल्स होगा यानी असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ देखिए थीटा में वृद्धि होने के कारण साइन 0 के मान में भी वृद्धि होता है, कह रहा है साइन थीटा में, यहाँ समझिए ये साइन थीटा है, कह रहा है कि साइन थीटा में मतलब थीटा के जगह पर बढ़ाते रहिए, क्या कीजिए थीटा को बढ़ाते रहिए, अभी 0 भरे हैं तो उसके बाद से साइन का मान अगर 30 भरेंगे, फिर साइन का मान क्या करेंगे 60 भरेंगे, फिर साइन का मान क्या करेंगे 90 भरेंगे, तो क्या इसके वैल्यू जो भी आएगा वो बढ़ते आएगा, हाँ जी वो बढ़ते आता है, क्या आता है, साइन 0 का मान 0 होता है और ये साइन 30 का मान क्या होता है, तो इससे बड़ा ही होगा, 1/2 होता है, आप फॉर्मूला में देख सकते हैं, यहाँ होता है 1, 2 और 3, ऊपर होता है 30, यहाँ होता है 60, तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, वैसे ही ये क्या हो जाएगा साइन थीटा के बाद साइन 60 का मान हो जाएगा 3/2, साइन 90 का मान हो जाता है 1, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जैसे जैसे मैंने थीटा के जगह को बदला है, थीटा के मान में वृद्धि किया है, उसके वैल्यू में भी क्या हुआ है वृद्धि हुआ है, ये मत कहिए कि ये बड़ा है बहुत छोटा है, लेकिन इससे बड़ा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सत्य, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि किए हैं तो साइन थीटा में वृद्धि जरूर होता है, लेकिन वही अगर थीटा के मान में वृद्धि कीजिएगा तो वैसे कॉस थीटा भी सेम हो जाए, ये नहीं हो सकता है, कॉस थीटा सेम नहीं होता है, डायरेक्ट समझिए ना, साइन 0 था तो 0 हुआ, साइन 90 था तो 1 हुआ, बड़ा है कि नहीं, यही यहाँ कॉस पर समझिए, कॉस 0 और कॉस 90 आपने क्या किया है कि थीटा के जगह पर बढ़ा दिए, पहले 0 था अब इससे बढ़ा दिए, वही थीटा के जगह वृद्धि कर दिए, तो कॉस 0 होता है 1 और कॉस 90 होता है 0, तो ये कहाँ बढ़ा है, ये तो घट गया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा असत्य, और ये वाला हो जाएगा सत्य। कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, कह रहा है कि थीटा के जगह पर कुछ भी भरिएगा तो क्या दोनों बराबर आएगा, यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा यहाँ है, ठीक है। कह रहा है थीटा का मान कुछ भी भरिए, अगर यहाँ 30 भर रहे हैं तो यहाँ भी क्या भरना पड़ेगा 30, यहाँ 60 भर रहे हैं तो यहाँ 60 भरना पड़ेगा, तो क्या दोनों का मान बराबर ही आता है, नहीं यार साइन 30 का मान अलग होता है और कॉस 30 का मान अलग होता है, तो ये बराबर कैसे हो सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है कि अगर ए का मान 0 भरिएगा तो कॉट ए परिभाषित नहीं होगा, यानी कॉट ए लिख दे रहे हैं और ए का मान क्या भरना है, ए का मान यहाँ भरना है 0, तो कॉट 0 का मान क्या होता है, आपको एक चीज़ हम बताए थे वो क्या है, टेन 0 0 होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो तनी इसको उलट दीजिए तो एक चला जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे, और जब भी 0 नीचे हो तो उसका आंसर होता है अपरिभाषित, यानी वो परिभाषित नहीं हो सकता है, उसका कुछ आंसर नहीं होता है, तो ये तो सही है ना, बोला है कि परिभाषित नहीं है, तो जब परिभाषित नहीं है तो क्या है
अपरिभाषित है, परिभाषित मतलब उसका कोई मान नहीं है, तो कोई मान नहीं है तो अपरिभाषित है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मल्टीपल चॉइस भी समझ में आया होगा, लगा हो बहुत ही शानदार झक्कास जबरदस्त वीडियो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फिर हम लोग एक्सरसाइज 8.3 लेकर के आएंगे, पहले ट्रिक फिर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।